गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम आप लोग को, इससे पहले हम आप लोग को आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में बताए थे, आज हम आप लोग को मात्राएं वाले शब्दों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं मात्राएं कैसे लगाते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अस्वर मिलता है। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। अस्वर को छोड़कर अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार की हैं। तो हम आपको बताएंगे अस्वर की मात्रा। तो यहाँ लिखा हुआ है अ स्वर की मात्रा। जैसे ये शब्द है हमारा क, हम क जब उच्चारण कर रहे हैं तो क क में हमारे साथ क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो क के साथ ये क्या है, अ मिला हुआ है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, क। आइए इससे रिलेटिव कुछ शब्द हम देखते हैं। जैसे यहाँ क म ल, तो जब हम कमल बोल रहे हैं तो क में हमारा अ आ रहा है, से क म ल, तो क के साथ क्या शब्द जुड़ा हुआ है, अ। कौन सा, ये क में अ है। तो आइए इससे रिलेटिव हम कुछ शब्द जोड़ते हैं। जैसे कमल है तो क में क्या है, म जुड़ा हुआ है, वैसे ही म में भी क्या है, ये अ। तो क्या है, म हम बोल रहे हैं तो उसमें अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार ल ल ल बोलिए आप लोग मेरे साथ, ल ल में भी अ आ रहा है, तो क्या हो गया ये ल। तो हम सब कहेंगे कि अ जो क क जो हमारा है ये अ स्वर के साथ मिला हुआ है। तो ऐसे हम आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाएंगे। जैसे हम यहाँ लिखे हैं म प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, तो क्या हो गया यहाँ, माला। तो म में क्या जुड़ा हुआ है, कौन म में अ जुड़ा, अस्वर जुड़ा हुआ है। जैसे म में हम क्या बोले, म को उच्चारण करें तो म में अ है और उसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माला। ऐसे ही ल में, फिर हम ल में ल बोल रहे हैं तो इसमें भी क्या है, अ स्वर मिला हुआ है। अब इसमें हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ला हो जाएगा। तो ये एक नया शब्द बन गया ना हमारा, माला। ठीक इसी प्रकार हम छोटी ही और बड़ी ही की मात्राएं वाले शब्दों को भी पढ़ेंगे। तो हर की मात्रा, तो हम इसको बनाते हैं। आइए यहाँ हम लिख दिए क, तो क को इसमें नीचे हम लगाएंगे हलंत। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, आधा क और ई छोटी, तो क्या हो जाएगा ये की। की में कौन छोटी ई जुड़ी हुई है तो क्या हो जाएगा, ये की, छोटी की मात्रा है तो ये छोटी की मात्रा हो गई, ठीक है ना। अब इसके अब हम बड़ी ही की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को जानेंगे। तो ई स्वर की मात्रा,
तो आधा क और बड़ी ई, तो बड़ी ई जब मिल जाएगा हमारे क में तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, बड़ी ई की मात्रा हो गया। जैसे हम लिखेंगे, सही है ना सर। अब आप लोग हमको ये व्हाट्सएप पे इससे बने कुछ शब्द लिखकर भेजेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को छोटा ऊ और बड़ा ऊ से बनने वाले शब्दों को बताएंगे।